मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। जिला प्रशासन के बेहतर इंतजाम के चलते ग्राम करीमगंज के हालात सुधरने की भी सूचना आ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गांव में जिलाधिकारी के आदेश पर अस्थायी अस्पताल भी स्थापित किए गए। कई टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही दिन भर अधिकारी गाँव में कैंप करते नजर आए। लखनऊ से विशेष जांच टीम भी मैनपुरी पहुंच चुकी है, जिससे करीमगंज का निरीक्षण किया है। ग्राम बिछवा थाना क्षेत्र के गांव करीमगंज में डेंगू फैलने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में दिखाई दे रही है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। करीमगंज के सरकारी स्कूल में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बना दिया गया है। प्रभारी अधिकारी कुचेला डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम लगातार वहां कैंप कर लोगों को उपचार दे रही है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. पांडे के निर्देश पर पूरे गांव में दवा का छिड़काव किया गया, साथ ही सभी मरीजों की जांच भी लगातार जारी बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को अपने घरों में आसपास साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह भी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार गाँव का निरीक्षण कर रहे हैं। गाँव वालों को जिलाधिकारी द्वारा भरोसा दिलाया गया कि गांव को जल्द वायरल फीवर और अन्य बीमारियों से निजात दिला दी जाएगी। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह किसी प्राइवेट पैथोलॉजी से अपनी जांच ना कराए, बल्कि जिला अस्पताल आकर बुखार की जांच कराए। अस्पताल द्वारा दी गई जांच का परीक्षण आगरा लैब से किया जा रहा है। जो हमने टेस्टिंग कराया है, कुछ लोग को डेंगू निकला है, लेकिन जो घटनाएं यहाँ हुई है, हम लोग की टीम लगातार यहाँ कैंप कर रही है और लखनऊ से भी टीम आई हुई है, और जो जो लोगों की मांग है, जो 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 आवश्यक चीज़ें हैं, वो सब हम करवा रहे हैं। चाहे छिड़काव हो, चाहे जांच हो, जो भी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएं यहीं पे कराई जा रही हैं। पूर्व में भी मैं आया था यहाँ पे, आज पुनः आया हुआ हूँ, और कई बार हमारी टीम यहाँ कैंप कर रही है। समस्याएं कुछ हैं, कुछ लोकल समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं वृहद स्तर पर हैं, तो जो भी समस्याएं हमको सुना गया है, जो निस्तारण संभव किया जा रहा है। हमने लोगों से आग्रह किया है कि जिसको भी दिक्कत हो तो तत्काल जिला अस्पताल जाए, वहीं प्रॉपर इलाज करवाए, फर्स्ट एड यहाँ ले, यही गांव में कैंप में और जिला अस्पताल जाए। सर, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने कर दी है, धन्यवाद। एनबीसी न्यूज के लिए मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।